आनंद भाग सात। निग्गोदाराम यानी निग्रोधाराम, पाली में कहते हैं निग्गोध राम, यानी कि जहां बड़ के वृक्ष, बड़ा आज की भाषा में बोलते हैं, जहां बड़ के बहुत सारे वृक्ष या रुख या पेड़ होते थे, वहां पर जो रमन करता था यानी जो भिक्कु वहां रमन करते थे उनको राम बोला करते थे, उस जगह को आराम बोला करते थे। तो निगोद मतलब बट वृक्ष जो होते हैं यानी जो बड़ के वृक्ष होते हैं उसके पेड़ों का पूरा बाग जिसको आराम बोलते हैं। कपिल वस्तु के अंदर जो साक्यों का जनपद रहा है, वहाँ पर भगवान बुद्ध यानी भंगवान बुद्ध जिन्होंने भंग किए दुख को, वहाँ पर अपने भिक्खु संघ के साथ थे। जो उनकी माता थी खीरदाई माता, खीर माने पाली के अंदर दूध होता है, खीरदाई का मतलब है जिन्होंने खीर पिलाई यानी कि दूध पिलाया, क्योंकि उनकी जो जन्म देने वाली जो माता थी वो थी महामाया, और महाप्रजापति वो थी उनकी मौसी, क्योंकि दोनों सगी बहनें थीं, उन्होंने उनको दूध पिलाया था, उन्होंने ही उनको पाल पोसकर बड़ा किया था। तो महाप्रजापति और गौतमी जो शब्द है उनका पूरा नाम है महाप्रजापति गौतमी, गौतमी और गौतम यानी कि जो बुद्ध के जितने भी वंशज रहे हैं या शुद्धोधन के या अमितोधन के या अमिता के, उनके नाम के पीछे गौतम उनका गोत है। गोत का मतलब है उनके कबीले की, उनके परिवार की पहचान है, सारे एरिया में जाने जाते हैं। तो नाम था महाप्रजापति और गौतमी लग गया क्योंकि गौतम और गौतम गौतमी उनका गोत रहा है। तो उन्होंने एक बड़े जतन से एक धूल जैसे रंग का, जिसको धुस्सा बोलते हैं, धूसर यानी कि धूल जैसे मटमैले रंग का एक जोड़ा कपड़े का, चीवर का बनाया, और वो उन्होंने बड़े प्यार से, क्योंकि उन्होंने अपने जो सिद्धार्थ गौतम हैं जो अब बुद्ध हो गए हैं उनको पाला है, पोसा है, दूध पिलाया है, तो माँ का प्यार है, तो वो उस जोड़े को बड़े प्यार से लेके वहाँ, अब चूँकि वो भिक्खुणी बन चुकी हैं और संघ में आ चुकी हैं, पहली भिक्खुणी वो रही हैं, तो वो भंते को, भगवान को, तथागत बुद्ध को नमन करती हैं, उनके पास आती हैं। उस बट वृक्ष का जो आराम है यानी जहाँ सारे रमण करते हैं, जहाँ सारे राम हैं, और एक तरफ बैठ जाती हैं और फिर विनती करती हैं कि ये धूसर का जोड़ा आपके लिए मैं लाई हूँ, आप इसको स्वीकार करें। भगवान बुद्ध चूँकि संघ के नियम में बंधे हैं तो वो कहते हैं कि गौतमी इसे संघ को दे दो। आप ध्यान देना कि एक तो वो गौतमी करके बोल रहे हैं यानी कि अपनी माता को गौतमी करके बोल रहे हैं, दूसरा कहते हैं इसे संघ को दे दो। ये परंपरा वहीं से चली है जहाँ कोई बहुत ज्ञानवान और जो जितने भी लोग होते हैं उनको उनके नाम से बुलाते हैं। उन्होंने वो कहते हैं कि अगर तुम इसको संघ को दोगी तो मैं इससे पूजित हो जाऊँगा, पूजित का मतलब है सम्मानित हो जाऊँगा, इससे मुझे मान और सम्मान मिलेगा। जो प्रजापति गौतमी हैं वो दोबारा भी विनती करती हैं, तिवारा भी रिक्वेस्ट करती हैं, थर्ड टाइम रिक्वेस्ट करती हैं, सेकंड टाइम रिक्वेस्ट करती हैं, प्रार्थना करती हैं कि आप इसको ले लें, मगर तीनों बार भगवान बुद्ध यही कहते हैं कि गौतमी इसको संघ को दे दो, संघ को देने से मैं सम्मानित और मानित हो जाऊँगा। अब यहाँ जो आनंद हैं, आनंद चूँकि अभी अर्हत नहीं हुए हैं और वो सिर्फ सोतापन है तो वो इतना जानते नहीं हैं, उनको चूँकि वो परिवार के रहें और बुद्ध के चचेरे भाई हैं, प्रजापति गौतमी को जानते हैं, माता हैं, तो वो कहते हैं कि भंते भगवान, प्रजापति गौतमी आपकी मौसी है, विमाता है, विमाता मतलब माता तो नहीं है मगर माता जैसी है, जिसने आपको खीर पिलाई है यानी कि दूध पिलाया है, खीर दाई का है, जिस पोसी का है यानी कि आपको पाल पोस कर बड़ा करने वाली है, और बहुत ज़्यादा आपके ऊपर उपकार किया है, महाउपकारक है, और इसके अलावा आपने उसको बुद्ध और धम्म और संघ की शरण दी है, और उसने बुद्ध और धम्म और संघ की जो शरण है
उसको बहुत अच्छी तरह से परिभाषित किया है, उसको समझा है, उसको जाना है, उसको अंगीकार किया है, उसकी प्रैक्टिस की है। आपने जो दुख और दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी का जो रास्ता बताया है, वो उसने संशय रहित होके, यानी कि अनडाउटली, बिना डाउट के साथ उसने आपका ये दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है और निवारण का मार्ग है, इसको उसने एडॉप्ट किया है, उसको अंगीकार किया है, उसको माना है, आपकी सारी बात उसने मानी है। तो आप ये जो धुस्सा है उसको ले लें, ऐसा आनंद ने रिक्वेस्ट उनको की। यहाँ भंते यानी भगवान कहते हैं कि आनंद, अगर मैंने बुद्ध और धम्म और संघ की शरण देकर या उनके दुखों को दूर किया है तो इसके बदले में कोई प्रति उपकार नहीं किया है, या जो उन्होंने मेरे ऊपर या मुझे पाल पोसकर बड़ा किया है, मुझे दूध पिलाया है, तो इसका कोई प्रति उपकार नहीं होता है, ये प्रति उपकार की बात नहीं है। फिर वो कहते हैं कि आनंद, इस बात को समझो कि जो दान होता है, दान माने होता है देना यानी गिवन, जो दान होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है व्यक्तिगत यानी पर्सनल, जो व्यक्ति लेता है व्यक्तिगत, और एक होता है संघगत, यानी कि जो पूरी पूरी कम्युनिटी, जो समुदाय जिसको दान लेता है, यानी एक हो गया पर्सनल इंडिविजुअल दान किसी एक व्यक्ति को मिले, और एक हो गया जो पूरे संघ को और समाज को दान मिलता है। इसमें अंतर है, इस बात को आनंद समझो। जो व्यक्तिगत दान होते हैं वो 14 प्रकार के होते हैं, और जो संघ के दान होते हैं जिसको संघगत दान बोलते हैं वो 7 प्रकार के होते हैं। कौन से 14 प्रकार के पर्सनल व्यक्तिगत दान होते हैं? पहला होता है आनंद कि जब तथागत सम्मासम बुद्ध के कारण दान मिलता है, यानी कि कोई सम्मासम बुद्ध होता है और उसके कारण कोई दान देता है, वो व्यक्तिगत दान है। दूसरा होता है पच्चेक बुद्ध को जो दान मिलता है वो पर्सनल दान होता है, क्योंकि यहाँ जो प्रजापति गौतमी हैं वो बुद्ध के कारण बुद्ध को दान दे रही हैं, तो ये व्यक्तिगत में आ गया। पच्चेक बुद्ध का मतलब है प्रत्येक बुद्ध, जो सम्मासम बुद्ध नहीं होते, जो प्रचार नहीं करते, प्रसार नहीं करते, ऐसे ज्ञानवान जो बुद्ध होते हैं उनको जो दान मिलता है वो सिर्फ उन्हीं का होता है, क्योंकि उनके पास संघ नहीं होता, वो अकेले होते हैं। तीसरा वो कहते हैं कि अर्हत को जो दान मिलता है वो व्यक्तिगत दान होता है, यानी कोई व्यक्ति अर्हत है और वो अकेला है तो उसको जो दान मिलेगा वो व्यक्तिगत दान मिलेगा। फिर कहते हैं कि कोई अगर अर्हत के फल के लिए साक्षात्कार करने में लगा है, ये जो साक्षात्कार वर्ड है, शब्द है, इसका मतलब है से आखातकार, यानी कि से माने होता है निज, खुद, और आख्यात माने हैं कि आख्या करना, यानी कि देखना, समझना, और कार माने जो इसमें लगा हो, यानी कि निज को देखने में लगा हुआ हो, जो अर्थ ऐसे फल के लिए लगा हुआ होता है, निज को देखना, अपने आप को देखना। फिर वो कहते हैं पांचवा होता है अनागामी, और छठा होता है अनागामी फल का से आख्यातकार करने वाला, सातवां सकदागामी, आठवां सकदागामी फल को से आख्यात करने वाला, नौवां होता है सोतापन, और दसवां होता है सोतापन के फल को से आख्यात करने वाला, यानी जो सोतापन के फल को निज में आख्या करने वाला, देखने वाला, जिस काम में लगा हुआ हो। ये जो 10 प्रकार के यहाँ हैं, बाकी 4 इस प्रकार से हैं कि कोई गांव में या कोई नगर में निगम के बाहर रहने वाला कोई ऐसा व्यक्ति है जो वीतरागी है। वीतरागी का मतलब है जिसके राग सारे के सारे खत्म हो चुके हैं, उसको जो दान मिलता है वो पर्सनल निज दान होता है, व्यक्तिगत दान होता है। 12वां है कोई सीलवान, कोई अलग थलग पड़ा हुआ कोई व्यक्ति है, कोई ऐसा ही पड़ा हुआ अलग कुछ काम धाम नहीं करता और सीलवान है, उसको जो खाना मिलता है, दान मिलता है, कोई चीज़ मिलती है, वो 12वें नंबर की है। और 13वें नंबर पे कोई अगर सीलवान नहीं है, दुसीलवान है, यानी कि अच्छा नहीं है व्यक्ति, अलग थलग पड़ा है, उसको जो दान मिलता है। और आखिरा 4थे नंबर का दान है, 14वें नंबर का, जो पशु पक्षियों को दान होता है, खाना दान पान देते हैं, वो 14th नंबर पे, 14वें नंबर पे आता है। फिर वो बताते हैं आनंद, अगर कोई पशु पक्षियों को दान देता है तो उसका 100 गुना फल उसको मिलता है। कोई अगर दुसील को दान देता है,
अलग थलग पड़े हुए दुशील व्यक्ति को तो उसको 1000 गुना उसका फल मिलता है। अगर कोई सीलवान व्यक्ति जो अलग थलग पड़ा है उसको अगर दान देते हैं तो 1,00,000 गुना दान का फल मिलता है। और कोई गांव और नगम या निगर सिटी और शहर के बाहर रहने वाला कोई ऐसा व्यक्ति जो वीतरागी हो गया है, जिसको कोई राग नहीं है, उसको कोई दान देता है तो उसका फल 1,00,00,000 गुना मिलता है। और आनंद, सोतापन, सग्दागामी, अनागामी, अरहत, पच्चेक बुद्ध और सम्मा संबुद्ध के कारण जो दान दिया जाता है, व्यक्तिगत दान, उसके तो फल की कोई लिमिट ही नहीं है। वो तो लिमिटलेस फल मिलता है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा फल है, उसका तो कहना ही क्या है। फिर वो कहते हैं कि संघ दान यानी संघगत दान 7 प्रकार के होते हैं। आनंद, अगर बुद्ध प्रमुख का कोई संघ है, यानी कि बुद्ध जीवित हैं और उनका कोई संघ है जिसमें दोनों हैं, भिक्कुणी भी है और भिक्कु भी है, उसको जो दान मिलता है वो पहले नंबर का है, उसको संघगत दान कहते हैं। और अगर बुद्ध निब्बतमान हो गए हैं, मर चुके हैं, उसके बाद दोनों संघों को जो दान मिलता है वो दूसरे नंबर पर आता है। तीसरे नंबर पर आता है कि खाली केवल कोई भिक्कु संघ को ही दान दे। और चौथे नंबर पर आता है कि खाली कोई केवल भिक्कुणी संघ को ही दान दे। पाँचवें नंबर पर आता है कोई ये कहे कि मैं इतने भिक्कु या इतने भिक्कुणियों को दान देता हूँ, यानी कि 10 भिक्कु और 10 भिक्कुणियों को बुला के वो दान देता है, वो पाँचवें नंबर पर है। और छठे नंबर पर है कोई ये कहता है कि मैं केवल इतने भिक्कुओं को बुलाकर दान देता हूँ, यानी 5 या 7 या 8 भिक्कुओं को दान देता हूँ, तो वो छठे नंबर पर आता है। और कोई अगर ये कहता है कि मैं इतनी भिक्कुणियों को दान देता हूँ, 5 भिक्कुणियों को 10 भिक्कुणियों को, तो वो 7वें नंबर पर आता है। ये संघगत दान होता है। फिर भगवान आगे आनंद से कहते हैं कि आनंद, भविष्य में बहुत से लोग जो कासाय वत हैं, यानी कि जो भगवा वस्त्र हैं, कासाय वस्त्र हैं, भिक्कुओं के वस्त्र हैं, उनको पहनकर बहुत सारे भिक्कु बनेंगे और वो ढोंगी होंगे, उनको धम्म नहीं आता होगा, वो रोटी खाने कारण या दान लेने कारण वहाँ बनेंगे और वो दान लेंगे, संघ दान भी लेंगे, व्यक्तिगत दान भी लेंगे। मगर अगर ऐसे भिक्कू संघ दान लेते हैं तो मैं फिर भी कहूँगा कि व्यक्तिगत दान से ज़्यादा संघ दान अच्छा होता है, व्यक्तिगत दान अच्छा नहीं होता। संघगत दान हमेशा ही अच्छा होता है। और आनंद, जो दान होता है उसकी 4 प्रकार के दान माने जाते हैं। पहला है कि अगर दान देने वाला अच्छा व्यक्ति है, जो अच्छा सील वाला है, सुशील है, अच्छा कल्याणकारी है, अच्छा व्यवहार वाला है, और दान लेने वाला अगर दुशील है, अच्छा नहीं है, तो वो दान शुद्ध दान होता है, ऐसा दान करना चाहिए। अगर दान देने वाला खराब व्यक्ति है, दुशील है, व्यभिचारी है, बेकार है, और दान लेने वाला अच्छा व्यक्ति है, सुशील है, अच्छा है, तो भी दान शुद्ध होता है। और दान लेने और देने वाले दोनों ही दुशील हैं, पापी हैं, व्यभिचारी हैं, तो ऐसा दान अशुद्ध होता है। और दान लेने और देने वाले दोनों ही अगर शुद्ध हैं, अच्छे हैं, सुशील हैं, सीलवान हैं, तो ऐसा दान बहुत कल्याणकारी और अच्छा और शुद्ध होता है। ये 4 प्रकार के दान होते हैं आनंद। इसलिए प्रजापति गौतमी संघ को दान देना चाहिए, क्योंकि संघ को दान देने से वो दान ज़्यादा अच्छा होता है, व्यक्तिगत दान अच्छा नहीं होता है। संघ को दान देने से मेरे अभिमान सम्मान होगा, क्योंकि मैं भी संघ का हिस्सा हूँ, मैं पूजित होऊंगा, मैं सम्मानित होऊंगा, ऐसा वो आनंद को कहते हैं।